घर में रहना चाहिए कि बाहर रोड पर निकल रहे हैं? घर में रहना चाहिए। घूरिएगा मत, नहीं घूरेगा, नहीं जा रहे हैं, अपना बैठिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। इस वक्त हम लोग खड़े हैं पटना के एग्जीबिशन रोड जाने वाले रास्ते के पास और इधर देख सकते हैं राम गुलाम चौक के पास किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो पुलिस वाले जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लगातार लोगों से चेकिंग की जा रही है और सभी से अपील किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर में रहिए, आप लोग बाहर मत निकलिए। और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में ही रहिए। अगर इस साइड देखेंगे आप तो यहाँ पर भी देखिए आप किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है और रोक करके उनसे पूछा जा रहा है कि आप जा कहाँ रहे हैं। जिन चीज़ों को सरकार ने छूट दी है उन सभी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग कहाँ निकल रहे हैं, घर से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर मत जाइए। अभी सुबह सुबह 8 बज रहे हैं और ये रहा दूसरा दिन है आज लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के दूसरे दिन इस तरह के हालात आप देख सकते हैं पटना की सड़कों के ऊपर। पुलिस वाले समझा रहे, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं इस तरह के कदम मत उठाएं। देखिए ये जो बीमारी है वो संक्रमण से फैलती है और जो पुलिस वाले लोग हैं वो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं और ये संक्रमण जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। जो कोरोना वायरस को लेकर के अलर्ट जारी किया गया बिहार में, आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। हम सर से बात भी करते लेकिन अभी प्रिकॉशन के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं और बात करना अभी ठीक नहीं है किसी से भी, क्योंकि आप जो है ना भीड़ से दूर रहिए और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी घरों में ही रहिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन किया गया बिहार को, बिहार में एक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस को लेकर के और कई पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं, तो हमें भी सतर्क रहना है और इसी तरह से सचेत रह करके अपने परिवार का खुद का ख्याल रखना है। हम लोग पटना की सड़कों पर इसलिए उतरे हैं ताकि आपको सचेत कर सकें। सभी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। आपको बता दें कि जो लॉकडाउन का जो पहला दिन था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह दिखा, इसके बाद पटना पुलिस ने एक्शन लिया और पटना पुलिस ने एक्शन लेने के साथ ही साथ अब जो है कड़ी कार्रवाई की भी बात कर दी है। अगर आप सड़कों पर पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ा एक्शन हो सकता है। जगह जगह पर अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। अगर आप बाहर निकलेंगे तो अगर रोड पे अगर ऐसे घूमते फिरते नज़र आ गए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और लाइव सिटीज़ भी आपसे अपील करता है कि सभी को सहयोग करना है। अगर सरकार कोई कदम उठा रही है आपके लिए तो आपको उस कदम में उसका साथ देना है ताकि इस बीमारी से हम बिहार को दूर रख सकें और ख़तरे को कम किया जा सके। तो आप लाइव सिटीज़ को देखते रहिए, हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, हम भी रिस्क उठा रहे हैं क्योंकि आपको जागरूक करना है। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद। घर में रहना चाहिए कि बाहर रोड पर निकल रहे हैं? घर में रहना चाहिए। घूरिएगा मत, नहीं घूरेगा, नहीं जा रहे हैं, बैठिएगा।